क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन, क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व किया जाता है, देखेंगे मेरे साथ इसी वीडियो लेक्चर में। मेरा नाम है रवि, डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन, वो सब देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि भाई आपको होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा अभी जो चल रहा है टॉपिक वो है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि भाई अगर होमोजीनियस है वो कैसे पता चलेगा। तो आपको कोई फंक्शन दिया है फाई एक्स वाई, मान लीजिए कि एक फंक्शन है फाई एक्स वाई, उसको कहा जाता है होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन अ फंक्शन फाई एक्स वाई, अ फंक्शन फाई एक्स वाई सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, कितनी डिग्री एन, इफ फाई ऑफ एन एक्स एन वाई इक्वल टू ये कंडीशन जो है टी की पावर एन फाई एक्स फाई वाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे क्या आएगा टी। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो एक्स वाई था उसको हमने रिप्लेस कर दिया टी एक्स टी वाई से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टी की पावर एन कॉमन लेता हूँ, फिर बाद में जो मेरा फंक्शन है फाई एक्स वाई रहता है, तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। देखिए अब कैसे, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको फंक्शन दिया है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या है आपका एफ एक्स वाई। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नया फंक्शन डिफाइन करूँगा, मतलब उसी फंक्शन में एक्स एंड वाई जो है वो रिप्लेस करूँगा टी एक्स टी वाई से। तो मेरा फंक्शन बनेगा एफ एफ क्या होगा टी एक्स टी वाई इक्वल टू, यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे क्या आएगा टी एक्स, तो ये हो गया टी एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू टी एक्स, यहाँ पे आएगा टी वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा टी क्यूब, क्या होगा टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री, यहाँ पे पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा थ्री टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। देखिए अब देखिए कि ये टी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री टी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ टी क्यूब दोनों में से कॉमन लेता हूँ, यही हमारी डेफिनेशन है, क्या है कि टी की पावर एन में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टी क्यूब कॉमन लेता हूँ इक्वल टी क्यूब, तो मेरा क्या बचा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये है आपके पास। और टी क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये तो क्या है आपका फंक्शन है। तो हमारे पास ये था टी क्यूब, ये बचा एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या हो गया एफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू ये। देखिए टी क्यूब यहाँ पे एन की जगह पे क्या है थ्री, तो ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री, ठीक है ऑफ डिग्री थ्री। इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि आपको दिया फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपको दिया है फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करूँगा, एक नया एक्स की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई, ये किया हमने। तो यहाँ पे मेरा जो वाई है उसकी जगह पे क्या आएगा टी वाई, उसकी पावर कितनी है तीन, तो टी वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स की जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई उसकी पावर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा टी क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस थ्री, ये टी एक्स है, यहाँ से टी स्क्वायर आएगा, तो मेरे पास बचा टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, ये रहेगा। अब क्या कहते हैं यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आता है टी क्यूब, तो टी क्यूब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये रहे आपके पास, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है आपका फंक्शन है, क्या फंक्शन है भाई इक्वल टू ये है टी क्यूब इंटू फंक्शन एक्स वाई, ठीक है ये है। तो आपने क्या निकाला कि भाई फाई ऑफ टी एक्स क्या है फाई ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू फाई एक्स वाई, तो ये भी क्या है फंक्शन है, कितने ये जो है वो फंक्शन तो है पर होमोजीनियस फंक्शन है, क्यों यहाँ पे एन की जगह पे क्या है थ्री, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री, ठीक है। तो
इस तरह से होमोजीनियस फंक्शन आपको दिया है वो है या नहीं वो चेक किया जाता है। मान लीजिए कि आपको एक और फंक्शन दिया है वो होमोजीनियस है या नहीं वो हम चेक करेंगे। ये अगर है आपके पास, ठीक है, वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा x है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा टी एक्स, y क्या लिखूंगा टी एक्स, तो ये है टी एक्स टी वाई, तो जो y है उसकी जगह पे मैं लिखूं टी वाई क्यू प्लस जो थ्री, फिर क्या है x की जगह पे क्या आएगा टी एक्स और y की जगह पे क्या आएगा टी वाई, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टी क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर एक्स वाई, अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये टी स्क्वायर जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वही कॉमन निकल के आती है, तो टी स्क्वायर निकल के आया तो हमारे पास क्या बचा टी वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, ये बचा। अब टी क्या है वो तो हमारे फंक्शन में है नहीं, तो इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि भाई टी स्क्वायर इंटू फाई ऑफ एक्स वाई, तो ये जो है फंक्शन वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था कि मेथड है कि भाई होमोजीनियस फंक्शन कैसे देखते हैं या फिर कैसे निकाला जाता है। अब देखिए आपको एक सिंपल मेथड दिखा दूँ कि यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या था एक्स था, उसकी पावर कितनी है यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल है एक्स और वाई, उसकी पावर कितनी है वन वन, ठीक है। तो अब देखेंगे आप कि भाई यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन वन है, तो उनका जो सम है एक्स और वाई का जो सम है वो कितना होना चाहिए, थ्री तो होना ही चाहिए। अगर थ्री होता तो हम यहाँ से टी क्यूब निकाल पाते, यहाँ से जो है वो टी क्यूब बन जाता तो वो निकाल पाते। तो ये जो आपके पास दो वेरिएबल है उसका जो डिग्री का मतलब जो पावर है उसका सम निकालना है वो कितना होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम डायरेक्टली अब चेक करते हैं, एक दो मतलब मैं लिख देता हूँ एक दो फंक्शन, अब डायरेक्टली भी वहाँ से दिखा सकते हैं कि भाई ये होमोजीनियस है या नहीं, वो बनेगा पर वो पूछता नहीं है कि भाई ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। हम क्यों चेक करें कि भाई हमें देखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है कि भाई फाइ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक फंक्शन है आपके पास, तो ये क्या होमोजीनियस है या नहीं। देखिए अब ये क्या है, एक टर्म है पूरा, ये जो है ये एक टर्म, ये और ये पूरा एक टर्म, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है वन, यहाँ पे क्या है वन, ये जो है पूरा एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो उसकी पावर क्या हो जाएगी वन, वाई स्क्वायर है उसको अगर कॉमन निकालता हूँ तो उसकी पावर क्या हो जाएगी वन, तो ये क्या है हमारा फंक्शन है होमोजीनियस है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर भी सकते हैं, मान लीजिए कि x और y की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूँगा कि भाई phi ऑफ x है उसकी जगह पे टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई, तो ये होगा टी एक्स टी वाई, तो ये जो है वो होगा टी एक्स स्क्वायर टी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये टी एक्स, तो टी स्क्वायर यहाँ से भी टी स्क्वायर है तो वो कॉमन निकल के आएगा तो उसका स्क्वायर रूट होगा, तो हो जाएगा टी अंडर रूट, ये क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से टी कॉमन आया तो एक्स प्लस वाई, यहाँ से भी टी, तो हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है टी इंटू फंक्शन जो है हमारा वो यही है फाई ऑफ एक्स वाई, तो ये जो है वो क्या है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री वन का, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें डेरिवेटिव आता है, ठीक है, तो जो डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनता है जब क्या होता है कि भाई एम जो है वो भी क्या हो होमोजीनियस हो और एन एक्स वाई है वो भी होमोजीनियस हो, इतना काफ़ी नहीं है पर दोनों की जो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अगर ये एन डिग्री का है तो ये मान लीजिए कि ये पाँच डिग्री का होमोजीनियस है तो इसको भी पाँच डिग्री का ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एम एक्स वाई, इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री,
ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो होमोजीनियस खुद में है पर अगर सेम डिग्री का नहीं है तब भी वो नहीं बनेगा। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने अभी देखा कि भाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर जो है वो होमोजीनियस होता है, ठीक है। ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, हमने अभी देखा कि भैया तीन डिग्री का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए टर्म है एक्स उसकी पावर कितनी है तीन, ये थ्री एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे उसकी डिग्री वन इसकी टू, तो इन दोनों का सम भी थ्री है, तो यहाँ पे भी थ्री पावर है यहाँ पे भी थ्री, तो वो कितनी डिग्री का है थ्री। उसी तरह से यहाँ देखिए ये भी क्या है, हमने देखा कि भाई ये होमोजीनियस तो होता है, यहाँ पे थ्री पावर है यहाँ पे उसकी वन प्लस टू यानी कि वो भी थ्री, तो इसका भी क्या होगा थ्री, तो दोनों क्या है होमोजीनियस फंक्शंस है एम एक्स वाई एन एक्स वाई और सेम डिग्री है उनकी। तो हमारा जो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी वाई जो क्या है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई आपको एक होमोजीनियस दिया है, मान लीजिए यही है थ्री एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और जो डी वाई में दिया है वो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो हमने देखा कि भाई होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री थ्री। यहाँ पे देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर यहाँ पे वन यहाँ पे वन, तो ये भी क्या है होमोजीनियस है ऑफ डिग्री टू, तो थ्री और टू है। यहाँ पे जो एम और एक्स वाई जो है एम एक्स वाई और एन एक्स वाई वो दोनों होमोजीनियस तो है पर उनकी डिग्री क्या है सेम नहीं है, तो ये जो हमारा फंक्शन है इट इज़ नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इट इज़ नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं कि भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कुछ एग्जांपल उसके देखेंगे हम। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो आपको इस फॉर्म में लेके आना है, किस फॉर्म में, मैं लिख रहा हूँ dy by dx इक्वल टू फंक्शन है वो है dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y x, ठीक है। किस तरह से वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एग्जांपल करके, तो आपको ज़्यादा मतलब समझ में आएगा। पर अभी देखिए क्या करेंगे आप, dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ यहाँ पे लेके आएंगे, फिर हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि भाई वाई ऑफ इज इक्वल टू वी, क्या कहते हैं y अपन x इक्वल टू, ये जो फंक्शन है वो y अपन x में होगा, तो वहाँ पे हम y अपन x इक्वल टू क्या ले लेंगे v, तो इससे निकल के क्या आएगा y इक्वल टू x इक्वल टू v। हमारे पास क्या है यहाँ पे dy by dx है, तो इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे चेन रूल आएगा, ठीक है। चेन रूल में क्या आता है u, ये है u ये v, तो u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू वी का डेरिवेटिव यानी कि वी वाई, ठीक है, वी एक्स इस तरह से आएगा, x इंटू ये क्या आएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये u x का डेरिवेटिव वन इंटू वी प्लस एक्स इंटू ये आया dv वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन था उसमें हमें वैल्यू रख दे, तो हमारे पास निकल के आया v प्लस एक्स इंटू dv by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, यहाँ से हम वही मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा एक बार, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ से हम वही यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब डी जो वी के जो फंक्शन है वो एक तरफ और एक्स के जो फंक्शन है वो एक तरफ, तो हमारे पास यहाँ से निकल के आया एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वी माइनस वी, तो डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मेरे पास निकल के आया dv अपॉन या फिर 1 अपॉन एफ वी माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन ही होगा v में, तो मैं उसको कह देता हूँ कैपिटल एफ वी, इसका क्या होता है ln x होता है प्लस क्या है c, तो ये जो क्या हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया,
ये कोई रेंडमली फंक्शन लिया था हमने, उसमें हमने ये क्या कहा कि भाई जो फंक्शन होगा वो वाई अपन एक्स में ही होगा, अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, अभी हम एग्जांपल में देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वाई अपन एक्स जो है उसके इक्वल टू में वी ले लेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन वन है, तो इसमें क्या दिया है, ये तो मैंने वी ले लिया। अब उससे मैंने क्या किया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं इससे डी वाई बाई डी एक्स बनाने का कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स ये निकल के आया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूँ तो ये हो गया एफ वी। फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या करते हैं कि भाई वी के वेरिएबल एक साइड, एक्स के वेरिएबल एक साइड, और दोनों साइड क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वो डी वाई या डी एक्स ले लें, प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ओके, ये जो है थ्री एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये जो है वो सही है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है सही है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने बताया कि आप पहले डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमें दिया है इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो पूरा है वो इस तरफ चला जाए, फिर dy वाई बाई डी एक्स लिखे, तो हमारे पास निकल के आएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से x क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई और माइनस। ठीक है, क्या क्या डी एक्स वाले उस तरफ और नीचे डी एक्स था, ये यहाँ से इस तरफ आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मुझे लिखना है कि इसमें फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स में, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे वाई क्यूब हाईएस्ट पावर है, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों में से क्या करता हूँ, वाई क्यूब क्या करता हूँ, कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस, मैं ऊपर नीचे से वाई क्यूब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास रहेगा एक्स अपॉन वाई, ठीक है, उसका क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई क्यूब होगा नीचे, तो वो वाई क्यूब वाई स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा वाई अपॉन, ये जो वाई क्यूब में मैंने कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे रहेगा वन प्लस ये जो है, तो थ्री एक्स वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा थ्री एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने कि भाई जो हमारा न्यूमिरेटर है उसको भी वाई क्यूब से डिवाइड किया, ये जो है डिनोमिनेटर उसको भी वाई क्यूब से डिवाइड किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर बाय वाई क्यूब, तो हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, तो सॉरी हमें क्या करना था कि फंक्शन ऑफ y अपॉन x में कन्वर्ट करना था ना, तो फंक्शन ऑफ y अपॉन x में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको y अपॉन x यानी कि x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, ये गलती हो गई, x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x क्यूब से, तो देखिए x क्यूब से डिवाइड करते हैं तो माइनस ये x क्यूब से डिवाइड हो गया तो वन, फिर यहाँ पे x जो है x क्यूब के साथ होगा तो वन अपन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा वन वाई अपन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड हो तो ये क्या होगा वाई अपन एक्स का क्यूब प्लस थ्री, ये जो एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो वाई अपन एक्स ये हो गया, तो हमारा ये फंक्शन हो गया वाई अपन एक्स का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मानते कि भाई वाई अपन एक्स इक्वल टू वी। ठीक है, क्या करते हैं, वाई अपन एक्स इक्वल टू वी, तो वाई इक्वल टू x इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये निकल के आए। तो
तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो था dy by dx उसकी जगह पे ये रखता हूँ, और y upon x है उसकी जगह पे क्या रखूँगा, v। तो हमारे पास एक नया फंक्शन निकल के आएगा, मैं dy by dx है उसकी जगह पे ये रखता हूँ v plus x into dv by dx, और dy by dx की जगह पे वो, तो v plus x into dv by dx equal to minus 1 plus 3v square upon v cube plus 3v, ठीक है। ये निकल क्या है, y upon x की जगह पे मैंने क्या रख लिया कि भाई v रख लेते हैं, फिर क्या होता है इस तरह से मैंने क्या किया उसका पूरा जो है सिर्फ रिप्लेस किया dy by dx से। अब हम क्या कहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल अगर यूज़ करना है तो एक तरफ v के टर्म एक तरफ x के टर्म, तो यहाँ से अगर मैं रखूँ x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3v स्क्वायर v क्यू प्लस 3v, ये क्या होता है माइनस v प्लस v जो है वो उस तरफ चला गया। अब हम उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते, तो माइनस 1 अगर मैं ऊपर रखूँ तो ये होगा, ठीक है, माइनस 1 जो है वो ऊपर है माइनस 3v स्क्वायर, तो माइनस v इंटू वी क्यू प्लस 3v अपॉन वी क्यू प्लस 3v, ये होगा। तो माइनस 1 माइनस 3v स्क्वायर, ये क्या हो गया v की पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर, ये आपके पास आया क्या है 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन वी क्यू प्लस 3v, ये क्या है हमारे पास x इंटू dv अपॉन dx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए माइनस 3v स्क्वायर, माइनस 3v स्क्वायर क्या होता है माइनस 6v स्क्वायर हो जाता है, तो ये है x इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6v स्क्वायर माइनस v की पावर 4 अपॉन v क्यू प्लस 3v, ये हो गया, ठीक है। ये तो एक तरफ v के फंक्शन हो गए, ये एक तरफ x के फंक्शन है, वो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या होगा हमारे पास अगर मैं v के जो टर्म्स है वो इस तरफ आ जाए, तो v क्यूब प्लस 3v अपॉन माइनस कॉमन लेके लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1, इस तरफ dv है वो माइनस जो है वो यहाँ पे रखता हूँ, तो इस तरह से होगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 4 v क्यू प्लस 6 दुनी 12 v, ठीक है, ये होता है। हमें क्या दिया है, v क्यू प्लस 3v दिया है, इसका मतलब कि अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या है 3v, यही है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो डेरिवेटिव जो इन हमें छेद में दिया हुआ है नीचे, उसको अगर मैं उसका डेरिवेटिव ऊपर अगर दिया हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है लॉग मॉड जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है वो, तो वो फॉर्मूला मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे हमने देखा कि भाई 4 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास निकल के आएगा 4 इंटू वी क्यू प्लस 3v अपॉन वी की पावर 4 प्लस 1 इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आता है माइनस 1 अपॉन x dx प्लस c, ठीक है। c जो है वो क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है हम जानते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है क्या होता है 1 बाय 4 इंटू लॉग मॉड, तो 1 बाय 4 इंटू लॉग भी लिख सकते हैं ln भी लिख सकते हैं ln मॉड्यूलस v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। ये जो c है वो क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब मैं जो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा ln v प्लस 4 सिक्स वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 एल एन एक्स प्लस सी, ये क्या है लॉग मोड, ठीक है, ये l है,
अब मैं क्या कर, ये जो है पूरा पॉजिटिव होगा क्योंकि v की पावर 4 है और 6 v स्क्वायर है, ठीक है। तो एल एन एक्स लिखा हमने, तो ये जो है वो इस तरफ आए तो वो क्या होगा, एल एन वी फोर 6 v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। लॉग का क्या रूल्स है कि भाई जो आगे वो पावर में चला जाता है इक्वल टू c, ये क्या है लॉग का नियम है, लॉग ए प्लस लॉग बी यानी कि लॉग ए इंटू बी। तो हमारे पास यहाँ आया लॉग वी की पावर 4 6 वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी, तो वी की पावर 4 6 वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी। अब हमने क्या रखा था कि भाई वाई अपन एक्स यानी कि क्या था, वी था, तो मैं यहाँ पे वी की जगह पे अगर वाई अपन एक्स एक्स रख देता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, वाई अपन एक्स की पावर 4 प्लस 6 वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स दैट इक्वल टू सी। एंटी लॉग लिया है तो यहाँ पे ई की पावर भी सी आता है, पर ये क्या है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो हम कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पे कॉन्स्टेंट के तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर मैं इसका और आगे जाके सिंप्लीफिकेशन करूँ तो हमारे पास निकल के आएगा जो होगा वो आंसर में यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यहाँ पे वाई की पावर 4 होगा, फिर वाई स्क्वायर होगा 6 वाई स्क्वायर, नीचे क्या आएगा एक्स की पावर स्क्वायर जो है वो हमें लेनी पड़ेगी कॉमन में, जो है वो ये क्या है एक्स की पावर 4 होगा, क्या होगा एक्स की पावर 4। तो कॉमन लू मतलब मैं एक्स की पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूँ तो मेरा जो आंसर है वो है, आंसर है वाई की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू ई की पावर सी, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका सॉल्यूशन। तो ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें दो मेथड कंबाइन होते हैं। पहले तक जो हमने वन अपन वी जो मतलब वाई अपन एक्स इक्वल टू वी लेते हैं तब तक क्या करते हैं हम होमोजीनियस वाली मेथड यूज़ करते हैं, फिर अगर एक बार आपका फंक्शन एक्स एंड वी में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम क्या करते हैं मेथड यूज़ करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, फिर हम यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वाई प्लस एग्जाम्पल लेते हैं वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, ये भी क्या है 1, तो मतलब कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई अपन एक्स जो लिखते हैं उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या निकल के आता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये निकल के आया। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली भी एक्स से डिवाइड कर लूँ, यहाँ से एक्स कॉमन आता है तो क्या होगा वाई अपॉन एक्स, अगर यहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ तो वो एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन वाई प्लस एक्स का क्या होगा स्क्वायर, ये क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है तो मैं क्या लिखूँगा टेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, तो वाई क्या होगा एक्स इंटू वी, तो इसका मतलब क्या हुआ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो हमारे पास जो डी वाई बाय डी एक्स उसके जगह पे ये वाई अपॉन एक्स उसके जगह पे मैं लिखता हूँ वी, तो मेरे पास क्या है वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ये निकल के आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ से भी कैंसिल, इसका थोड़ा एक तरफ वी के टर्म्स एक तरफ एक्स के टर्म, तो डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो मेरे पास निकल के आया डी वी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हुआ, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है लॉग
मॉड वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, इक्वल टू इसका क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग सी। जो लॉग सी है वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो इस तरफ लाऊ तो क्या होता है, लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। अब अगर मैं लॉग का रूल्स यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, लॉग वी प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, जो माइनस है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्स होगा, डिवाइड में आता है तो ये है एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग सी। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं तो वी इंटू प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी। क्या किया मैंने, टेक एंटी लॉग बोथ साइड, तो मैंने एंटी लॉग ले लिया। अब हम वी जो था वो क्या था, वाई अपॉन एक्स था, तो मैं वन अपॉन एक्स यहाँ पे कॉमन, वी की जगह पे मैंने रखा वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे क्या आता है वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स अगर मैं वहाँ से कॉमन लेता हूँ तो वो होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। यहाँ से जो है वो एक्स कॉमन निकलते आता है तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। वो अगर इस तरफ से चला जाए तो हमारे पास निकल के आया फाइनल सॉल्यूशन, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। और ये था क्या हमारा आंसर, जो सी है वो है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो है जनरल सॉल्यूशन, वो हम सॉल्यूशन और उसके टाइप वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो ये था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें जो है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ होती है। तो आप अगला वाला जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था हमारा सेकंड, वो आप देख लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे ही खुद से कुछ एग्जाम्पल ट्राई कीजिए तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कहीं पर गलती नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आपको कैसा लगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।